नमस्कार आप सभी साथियों को, आप देख रहे हैं अपने चैनल ट्रीटमेंट टॉप का। आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको प्रोटोजोअल डिजीज के बारे में बताने वाला हूँ। प्रोटोजोअल डिजीज की जो सर्रा डिजीज है उसे मैं आपको बता चुका हूँ, बवेशियस डिजीज है उसे आपको मैं बता चुका हूँ। आज की जो डिजीज का नंबर है आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो है थेलेरियोसिस डिजीज। आज मैं आपको इस थेलेरियोसिस डिजीज के बारे में संपूर्ण डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ। ये किस कारण से होती है, क्या इसमें सिम्टम्स होते हैं, कैसे इसका डायग्नोसिस करना है और क्या इसका ट्रीटमेंट है, आज मैं आपको इन सभी बातों को संपूर्ण डिटेल्स के साथ बताने वाला हूँ। आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। यदि आप ट्रीटमेंट के चक्कर में यदि आप स्किप करके वीडियो को देखेंगे तो जो बीच में वीडियो में जो जानकारी दी जाती है आप उसे छोड़ देंगे। यदि आपने कोई भी इसमें से जानकारी छोड़ी तो आप पशु का ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा करें। अब बात करते हैं इस डिजीज के बारे में। थेलेरियोसिस, अब बात करते हैं थेलेरियोसिस डिजीज में। ये थेलेरियोसिस बीमारी है, ये बीमारी आपके गाय भैंस भेड़ बकरी इन सभी जानवरों में होने वाली बीमारी है। अब बात करते हैं ये किस कारण से होती है, इटियोलॉजी। इटियोलॉजी जिसे हम बोलते हैं रोग कारक। ये बीमारी थेलेरियोसिस प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। बीमारी है अब ये इस थेलेरियोसिस प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। अब बात करते हैं जो अपने गाय भैंस हैं उनमें कौन से प्रोटोजोआ के द्वारा बीमारी होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। थेलेरिया एनुलेटा और थेलेरिया मोंटास के द्वारा गाय भैंस में ये थेलेरियोसिस बीमारी होती है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, लक्षण की, कि आपको इसमें क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। लक्षण जिनको हम देखकर पहचानते हैं कि ये थेलेरियोसिस बीमारी है। अब बात करते हैं इसके फर्स्ट लक्षण की। इस बीमारी में आपको जो पशु का बॉडी टेम्परेचर है वो आपको सामान्य से अधिक देखने को मिलेगा। ये कहूँगी 104 105 फॉरेनहाइट डिग्री तक आपको टेम्परेचर पशु का एक शारीरिक तापमान आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपको क्या लक्षण देखने को मिलेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है जो आपको बता रहा हूँ प्रेजेंट लोग, इस लक्षण को देखकर आप थेलेरियोसिस बीमारी के बारे में पता कर सकते हैं। जो पशु की लिम्फ ग्रंथियाँ हैं वो भारी ओर से सूजन आ जाती है, उन पर लिम्फ ग्रंथियों पर भारी ओर से सूजन आ जाती है। हम उस सूजन को देखकर पता लगाते हैं पशु में कि ये थेलेरियोसिस बीमारी हो चुकी है पशु में, यही इसका सबसे मोस्ट लक्षण है। अब बात करते हैं नेक्स्ट लक्षण के। इस बीमारी में पशु की श्वसन गति बढ़ जाती है, हृदय गति भी पशु की गला पर आपको देखने को बढ़ी हुई मिलेगी। श्वसन गति बढ़ जाती है, हृदय गति बढ़ जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट लक्षण की। इस बीमारी में जो पशु की नाक है आँख है उनसे स्राव निकलता है, ये कहें कि द्रव पदार्थ बहता रहता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट लक्षण की। इस बीमारी में पशु खाना पीना भी कम कर देता है। इस बीमारी में पशु में जो दस्त होते हैं दस्तों में भी ब्लड आता है इस बीमारी में, ये कहें कि खून से सने हुए पशु दस्त करता है या फिर गोबर करता है। इस बीमारी में पशु में आरबीसी की कमी हो जाती है जिसे हम लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं। ब्लड में पशु के आरबीसी जिसे लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं उनकी भी कमी हो जाती है।
पशुओं में एनीमिया की शिकायत आपको देखने को मिल सकती है। पशु कमजोर हो जाता है, पशु खाना पीना भी कम कर देता है। जितने मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, ये सभी लक्षण आपको पशु में इस बीमारी में देखने को मिलेंगे। मैं आप चाहे तो एक बार और दोहरा देता हूँ लक्षणों को। इस बीमारी में पशु की जो लिम्फ ग्रंथियाँ हैं वो आपको सूजी हुई मिलेंगी, ये इसका सबसे मोस्ट लक्षण है। और पशु का बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा, पशु खून से सने हुए दस्त करता है। इस बीमारी में पशु खाना पीना कम कर देता है, कमजोर हो जाता है, टेम्परेचर हाई रहता है, ये सभी सिम्टम्स आपको इस बीमारी में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इसका डायग्नोसिस निदान। निदान या फिर डायग्नोसिस, डायग्नोसिस करते समय आपको लक्षणों के आधार पर आप डायग्नोसिस कर सकते हैं, और एक है ब्लड टेस्ट के आधार पर। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, उपचार की। यदि हमें सिम्टम्स देखने को मिले तो हम उसका क्या उपचार करें, क्या ट्रीटमेंट करें, कैसे पशु को बचाएं। जो मैं आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूं वो एक जादुई ट्रीटमेंट है। इस रोग की जो प्रमुख दवा है वो ये इंजेक्शन है, बुप्रवाक्वम, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये इंजेक्शन इस बीमारी का सबसे अच्छा, यह प्रश्न कहें कि सबसे टॉप मेडिसिन इस बीमारी की यही है, ये इस बीमारी का इलाज है, बुप्रवाक्वम, जो कि आप स्क्रीन पर इस इंजेक्शन को आप देख सकते हैं ये कैसा है। दूसरी कंपनी का भी आता है बूटालेक्स, बूटालेक्स भी इस बीमारी में अच्छा काम करता है, आप बूटालेक्स को भी दे सकते हैं। मैंने आपको जो इंजेक्शन बताया बुप्रवाक्वम, यही इस रोग की प्रमुख दवा है। अब मैं आपको इसके ट्रीटमेंट की बताता हूँ, जो कि आपको लक्षणों के आधार पर करना है। जो इसकी प्रमुख दवा थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। आरएक्स, आरएक्स का मतलब होता है पशु को इसे दीजिए या फिर कीजिए, आप इसे लीजिए। और इसका एक और शब्द करते हैं पशु की स्वस्थ होने की कामना ईश्वर से। इंजेक्शन बुप्रवाक्वम, इंजेक्शन बुप्रवाक्वम आप इसे 10 से 15 ml इंट्रा मस्कुलर दें। यही इस थलीरेसिस बीमारी का मुख्य दवा है बुप्रवाक्वम इंजेक्शन। आप दूसरा इंजेक्शन के रूप में, इससे पशु का बॉडी टेम्परेचर हाई रहता है, तो आप कोई सा भी एक एंटीपायरेटिक इंजेक्शन दें, कोई सा भी एक। मैं लिख रहा हूँ आप रूसेफ दे सकते हैं, यदि आपके पास ये नहीं है तो आप पैरासीटामोल दे सकते हैं। दस से 20 ml इंट्रामस्कुलर ओनली, इसे भी इंट्रामस्कुलर ओनली दें, इसे भी इंट्रामस्कुलर ओनली दें। ये ब्लोलेक्स प्लस इंजेक्शन है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं जिस भी इंजेक्शन को लिखूंगा आप उसे स्क्रीन पर देखेंगे। नेक्स्ट इंजेक्शन बेलोमेल इंजेक्शन, पांच से 10 ml इंट्रामस्कुलर। नेक्स्ट इंजेक्शन आप CPM या फिर EL में से कोई सा भी एक इंजेक्शन दें। CPM 5 से 7 ml इंट्रामस्कुलर दें। आपको इसमें एक एंटीबायोटिक भी देंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आपको इसी भी दें, OTC। यदि पशु प्रेग्नेंट है तो आप OTC का प्रयोग ना करें, जैसे हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन बोलते हैं, आप कोई भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दें। 10 से 25 ml इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं, इंट्रावेनस भी दे सकते हैं, आप दोनों में से कोई से ब्रॉड से दे सकते हैं। आपको इसमें आयरन की भी कमी होती है, इसलिए आप कोई सा भी आयरन का इंजेक्शन दें या फिर आप आयरन
युक्त प्रोडक्ट पशु को खिलाएं। मैं किसी आयरन के इंजेक्शन का नाम नहीं लिखूंगा, आप स्वयं के विवेक से कोई सा भी एक आयरन का इंजेक्शन दें या फिर आयरन पशु के शरीर में पहुंचे ऐसा कोई भी पाउडर खिलाएं। जो भी मैं आपको इंजेक्शन बताता हूँ, इन इंजेक्शनों को केवल और केवल जानकारी के लिए बताया गया है, आप इनका प्रयोग स्वयं पशुओं में ना करें, इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। आपको इसमें रिंटोज भी देनी है, इंटालाइट या रिंटोज, दोनों में से कोई सी भी एक ड्रिप पशु को दें जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रिंटोज दे दें यदि पशु का बॉडी टेम्परेचर 103 है 104 है तो, यदि ज़्यादा है तो आप ना दें, पहले ही कह रहा हूँ मैं इस चीज़ को। दे सकते हैं आप रिंटोज को यदि पशु का बॉडी टेम्परेचर 103 104 फोरनाइट डिग्री में है तो। ये इस बीमारी का ट्रीटमेंट है जो मैं आपको बता चुका हूँ, इस बीमारी की मुख्य दवाई यही है, इसमें ये सब इसके सिम्टम्स के आधार पर ही एंटीबायोटिक दवाई दी है इसमें। यदि आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल सके। यदि आप और किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं या फिर किसी भी वेटनरी से संबंधित टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, आपको वीडियो बना के डाल दी जाएगी। फिर मिलेंगे कल नई बेहतरीन वीडियो के साथ।